गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको पहले पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में एक बार और बात करेंगे और कुछ इजी सा एग्जांपल जो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। मेरे मन किया मैं दुकान से जाके एक पेंसिल लेके आऊँ, तो मैं एक शॉप पे गई और मैं एक ब्लू कलर की पेंसिल लेके आई। अब देखो मेरी पेंसिल बिल्कुल नई है, मैंने इसको ना इधर से शार्प किया है ना इधर से शार्प किया है, तो इस पेंसिल से अभी मैं वर्क नहीं कर सकती। तो ना तो इधर इसका कोई पॉइंट है और ना इधर कोई पॉइंट है जहाँ से मैं इससे लिख सकूँ। तो अभी ये किसकी शेप में है? एक लाइन सेगमेंट की शेप में है। किस शेप में है? ये लाइन सेगमेंट की शेप में। इसका ये एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है। उसके बाद अब मैं अपनी पेंसिल ले आई तो मैं काम करना तो स्टार्ट करूँगी। तो मैं अपनी पेंसिल को शार्प करती हूँ। देखो मैंने अपनी पेंसिल को शार्प किया तो मैंने इसकी यहाँ से टिप बना दी। पेंसिल शार्प होने के बाद इधर से तो बंद है लेकिन इधर से ये काम करेगी अब। तो अब ये किस शेप की होगी है जो एक छोर से बंद और दूसरे छोर से बढ़ सकता है? वो कौन है? वो रे है। क्या है? वो रे है। अब देखो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको बड़ा शौक होता है अपनी पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करने का, तो अब मैं वो बच्चा बन गया हूँ। देखो मैंने अपनी पेंसिल को यहाँ से भी शार्प कर दिया और यहाँ से भी शार्प कर दिया। तो अब मेरी पेंसिल किस शेप की दिख रही है मेरे को? लाइन की शेप की। देखो इसके इधर भी एरो नज़र आ रहा है और इधर भी एरो नज़र आ रहा है। तो ये क्या था? एक लाइन सेगमेंट था। अब जब इधर से बंद थी और इधर से एक एरो था तो ये क्या थी? एक रे थी। और जब दोनों तरफ से बढ़ सकती थी, दोनों तरफ से एरो था, तो ये क्या कहलाई? एक लाइन कहलाई। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी मैं आपके साथ करने वाली हूँ। मेरे पास ये है, आप लोग इसको क्या बोलते हो? आइसक्रीम स्टिक्स। तो आप लोगों के पास ना हो तो आप माचिस की तिल्लियाँ, झाड़ू की तिल्ली, आप जो यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हो। जो हमारी घर में झाड़ू लगाने वाली होती है उसके पीछे राउंड राउंड सी झाड़ू की तिल्लियाँ आपको मिल जाएंगी, आप उन्हें कट करके इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ कर लो। तो मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स थी, मैं आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। देखो अगर मैंने इस आइसक्रीम स्टिक को इधर रखा है तो एक लाइन सेगमेंट जैसा मेरे को नज़र आ रहा है। तो मेरे पास लाइन सेगमेंट है। अब मैं बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के एक हट बनाना चाहती हूँ। और बहुत आसान तरीका है हट बनाने का, ठीक है? बस हमें दो दो तीन तीन भुजाओं को साथ में रखना है और उन्हें एक प्रॉपर आकार देते जाना है। तो मैं अभी स्टार्ट करूँ आपके साथ एक्टिविटी। देखो मैंने अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को पिन बोर्ड पे लगाया है। आपके पास पिन बोर्ड ना हो तो किसी गत्ते पे लगा लेना, वाइट गत्ता हो उस पे लगा लेना। तो देखो मैंने अपनी आइसक्रीम स्टिक्स में पहले एक पिन लगाई है। अब मैं एक आइसक्रीम स्टिक को ऐसे लगा देती हूँ और दूसरी आइसक्रीम स्टिक को ऐसे लगा देती हूँ। देखो ये वाली आकृति तो मैंने आपके साथ की थी, ये एक रोम्बस शेप थी, पतंग बनाई थी जब हमने। लेकिन अब मैं इस रोम्बस को थोड़ा सा खोल के और एक खुली आकृति बना देती हूँ। मैं बंद आकृति नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने ये एक खुली आकृति बना दी है, ठीक है? लेकिन अब मुझे अपनी हट के बाहर दरवाज़ा बनाना है तो मुझे इसको नीचे से बंद करना पड़ेगा, इसको एक क्लोज्ड फिगर देनी पड़ेगी। तो मैं ये वाली स्टिक्स यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास दो ये वाली स्टिक्स हैं, ठीक है? तो अब मैंने अपनी फिगर को बंद कर दिया, ओके? अब देखो अब मैं अपनी हट को रूफ बनाऊंगी इसकी। अब मैं इस पर छत लगाने वाली हूँ। सबने देखा है ना छत कैसे बनती है? तो अभी मैंने अपनी स्टिक इस तरह से लगा दी है, और भी है मेरे पास कुछ, तो मैं इसको यहाँ लगाऊंगी।
इसको यहाँ और इनको यहाँ से फिर बंद कर दूँगी। ये देखो, अगर मैं इसको ना देखूँ, सिर्फ इसको देखूँ, तो ये भी एक आकृति नज़र आ रही है। फिर देखो, अब मैं इसको यहाँ से लेके आती हूँ। अब मेरे को इसे नीचे से भी बंद करना पड़ेगा। ये वाली आकृति के बारे में तो सबको पता है। ये देखो, इतना सा हम देखते हैं तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। देखो, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यहाँ पे भी दो आइसक्रीम की डंडियाँ लगी हैं, यहाँ पे भी दो आइसक्रीम की डंडियाँ लगी हैं, एक एक, ठीक है। अब मेरे मन है कि मैं इसमें खिड़की भी लगा दूँ, तो अब मैं अपनी झोपड़ी में या अपनी हट में एक खिड़की लगा देती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी छोटी चाहिए मेरे को स्टिक्स। ओके, ये देखो, ये भी एक आयत या रेक्टेंगल शेप लेगा। देखो देखो देखो, अब देखो, तो ये भी एक किस शेप में है? आयत शेप में। अब तो क्या कमी रहेगी इसमें? दरवाजे की। तो अब मेरे को इसमें दरवाजा लगाना है, ठीक है। अब ये मेरी हट का दरवाज़ा भी बन गया। अब मेरे को विंडो लग गई, डोर लग गया, रूफ बन गई और पूरी एक हट तैयार हो गई। अब मैं चाह रही हूँ इसमें एक ना ऊपर रोशनदान भी लगा दूँ, तो मैंने एक छोटे से बैंगल को यूज़ करके रोशनदान लगा दिया। तो अब आपको पता चला कि हमने लाइन सेगमेंट्स का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से हट बना ली है। तो इस तरह से हम बहुत सारी आकृतियाँ बना सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी आकृतियाँ देखते हैं, उन्हीं की शेप की आकृतियाँ हमें किताब में भी नज़र आती है, तो वो कोई अलग से नहीं है। तो आप इस हट को ज़रूर कोशिश करना बनाने की।